Hasan. गाइस आज आ गई अंधेरी। आज जुमेशा है। आज फ्राइडे है ना, तो आज अंधेरी आती होती है। साथ वालों के सारे कपड़े उड़ गए। तूफान है, तूफान आज तो ना, है ना? चल रही है। बस देख आज होए होए। आज तो बाद मेनू ना हाथ ना इंज लगाई, लगाया ना मैं तेरा मुंह तोड़ देना। इन्हां बेचारियां दे कपड़े तो सारे उड़ गए होने। शाया मम्मा मैंने देखा था ऐसे हो। मेरी आंख से कुछ पड़ गया। हसन बाबा को तंग की जा रहा है, कह रहा है कि मुझे बाहर लेके जाओ, आज अंधेरे का मौसम आ गया। नहीं अंधेरी नहीं, जुमे शाह आया मौसी ने सारे कपड़े अंधेरी में तुम लोग की शक्ल ही नहीं नजर आ रही। सब सुन लो, दुपट्टा ले लो, जुम्मे शाह आ गया। यस वो देखो तुम्हारी शक्ल इतनी बड़ी आ रही है YouTube की वीडियो। नहीं अंधेरी है, नहीं आ रही तुम नजर नहीं आ रही। बस ना हाय दुधला दुधला यार, इन्होंने कहा हमारी प्लेट ही ना उड़ जाए। A few moments later. तो जी रात को आई थी आंधी, अभी ये सफाइयाँ सेन भी धोया है मैंने, सेन धो के कपड़े भी धोए हैं। देखो वाह के साथ किस तरह हो गए कपड़े, नीचे गिर गए हैं। और बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ स्कूल से, अब बच्चे करेंगे इंजॉय गर्मी और दिमाग के कीड़े निकलाएंगे, है ना? दही कर देंगे, दिमाग की दही कर देंगे। इतनी गर्मी है ना आज शिद्दतों वाली, चलो जी सेन धो के सारी सफाई करके। और ये देख इसके काम चेक, ये उठा यहाँ से वाइपर। और ये देखो मेरे हस्बैंड ने लगा ली है दुकान। ये तकरीबन 8 तरबूज जिसमें से 4 हम लोगों ने खा लिए हैं और ये 4 रह गए हैं। तो एक तो मैंने ना अपनी अम्मी की तरफ भिजवा दिया था और एक यहाँ पे काट के इन्होंने रख दिया है फ्रिज में। एक वैसे रखो साबित इसमें। तो अभी ना फ्रिज किस कब की चलाई हुई है पता नहीं, दादो ने चलाई है। ये ऊपर से सफाई की थी इसकी? नहीं, पानी पानी हुआ पड़ा था ना फ्रिज, रात की बंद थी ना तो इस वजह से। और ये देखो ये देखो इतना भर के रखते है बर्फ है। दो रख दो, दोनों रख दो। तो किचन की भी थोड़ी बहुत कर दी है। ये देख इसके काम अलग इसके काम चेक कर। हाँ थक गए हो, उठा ले मम्मा, उठा ले मेरी चादर। हाँ जी दसो जी ये क्या पकड़ा है? ये फ्रिज में रख और यहाँ से ये चीजें उठा सारी और मैं जा रही हूँ हसन को लेके अंदर। अब मैं इसको पकड़ू, काफी देर से ये रो रहा है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फिर अभी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मम्मा बना रही है एनर्जी लड्डू जो हम खाएंगे इसके साथ। बंद कर दो एक मिनट, मुझे
तो नाजरीन हाजरीन प्यारे दोस्तों भैन भरावो ऐ मैं ना थोड़ा जिहा ना अपने बच्चों नूं थोड़ी ताकत देने वास्ते ना एनर्जी के लड्डू बना रही हूँ एनर्जी लड्डू हैं। तो ये मैंने अपने तौर पे इसका नाम दिया है, वैसे ये इसको पता नहीं कौन कौन से लड्डू का नाम देते हैं हैं। तो रेसिपी शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ये थे बादाम जो मैंने पीस लिए हैं, तो बादाम 50 ग्राम थे, यानी कि एक पाव के जितने मैंने लिए थे, 50 ग्राम नहीं लिए थे। बाकी ये है जो होते नहीं है ये चार मगज, जिसको चार मगज बोलते हैं, ये वो वाले हैं। और इसको मैंने पीस लिया है, ये सौंफ है, और साथ में मैंने ना इसके साथ ही मैंने ना थोड़ा सा पिस्ता लेके भी इसके अंदर डाल लिया था। अखरोट मुझे मिले नहीं क्योंकि वो गर्मी है, गर्मियों का मौसम आ गया है ना, तो अखरोट गायब हो गए हैं मार्केट से, तो अखरोट मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा ये है नारियल, तो नारियल को मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरह। तो अब ये जैसे जैसे रेसिपी मैं बनाऊंगी ना, अभी तो मैंने इनको सिर्फ पीसा है। क्या मसला है तुम्हारे साथ है, तुमने हाथ मारने रहना नहीं है, चल भाग जाए यहाँ से हैं, बच्चे हैं ना बस। तो इसको ना ये जो बादाम है ना पीसे हुए, इसको हम ये भी है शामिल कर देंगे। कोई बात नहीं, मुंह में इसका लड्डू बनाए, लड्डू बनेंगे तो कोई बात नहीं, इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी प्रोसीजर ना किचन में करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। One hour later. तो अभी अभी मैंने बनाया है फ्रेश देसी घी, तो घर में मलाई इकट्ठी करते हैं, उसका देसी घी बनाया मैंने, तो ये उसी रेसिपी में इस्तेमाल होगा जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है अभी लड्डू वाली रेसिपी में। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। चलो जी चले अब शुरू करते हैं वीडियो बनानी, तो रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ईमान को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया, मैं थोड़ी सी देर। अब ये जो मैंने बनाई थी ना आपके सामने पीसी थी चीज़ें, तो इसको ना ये घी लिया, देसी घी जिसको बोलते हैं, इसके 5 बड़े चम्मच खाने वाले ले लेंगे। तो इस चीज़ों को ना इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस ये 30 सेकंड के लिए ना इसको ना हमने इसके अंदर करना है मिक्स। आंच बिल्कुल इसकी ना धीमी रखेंगे, तेज आंच नहीं करेंगे, तो ताकि इसमें ये ना जोर हो जाए। ये ताकत के लिए बड़ी अच्छी है, बेहतरीन चीज़ें हैं बच्चे के दिमाग के लिए। मेरे ना बच्चे काफ़ी दिनों से ना वीकनेस महसूस कर रहे थे, तो ये मैंने ना काफ़ी अरसे से बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर दोबारा बनाते हैं इनको। ये खाने में भी बड़ा मज़ेदार होता है और ताकत देता है, और खुशबू इसकी कितनी मज़ेदार आ रही है ना ईमान। तो बस इसको 30 सेकंड के लिए इसको हमने इसमें मिक्स किया। तकरीबन इसको 30 से 35 सेकंड हो गए हैं इसको करते हुए इस तरह। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नारियल, तो नारियल इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सर्दियों गर्मियों की सुगात है, तो जैसे चाहे आप लोग खाएं इसको, जैसे चाहे ना खाएं। दूध में सुबह टाइम इसको खाना पता कैसे है, दूध लेना है सुबह टाइम एक गिलास, और साथ में ये लड्डू, एक लड्डू ले लिया तो बस आपका। इस नारियल को भी ना तकरीबन हमने ना 1 सेकंड के लिए ना हमने इसके अंदर मिक्सअप करना है, इसको कलर नहीं देना, बस इसको मिक्स करना है। इसके साथ ये मज़ेदार लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये वैसे है नारियल के लड्डू, तो मैं इसको नाम दूंगी एनर्जी लड्डू। जी बेटे मम्मा, तो आप मुझे बताना ये किस तरह की है रेसिपी, आपको अच्छी लगेगी उम्मीद करती हूँ। तो मम्मा जान अभी ये रेसिपी अभी इधर खत्म नहीं हुई, इसका भी और काम है बाकी। मम्मा अभी नहीं बेटा, खैर चलो मैं भी काम कर रही हूँ ना, मैं फारग होती हूँ ना फिर, ठीक है। मम्मा
से हो। अपना इसको ना इस परात में ना निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब ले लेंगे चीनी है ये 1.5 कप मेरे पास, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ में 1 कप पानी है वो शामिल कर देंगे। तो इसकी ना हमने चाशनी बना लेनी है। यही कोई 1-2 बॉयल आने तक ना चाशनी बन जाएगी ना, तो फिर इसमें ये मिक्सचर शामिल कर देंगे। ज़्यादा ना थिक इसकी यानी कि नहीं बनानी, बस ये है कि इसका जो चिपचिपाहट होती है ना वो आ जाए इसमें पानी में। अगर हमने ज़्यादा पका ली इसको, चाशनी को ज़्यादा पका लिया ना, तो ये लड्डू हार्ड बन जाएंगे, तो हमने इसको सॉफ्ट रखना है। तो 1-2 बॉयल आने तक ना इसको करते हैं। ये एक तो बाला आ गया इसको, और देखते हैं। हाँ थोड़ा सॉफ्ट पका लें। पक गई है तो अब इसमें ये शामिल कर देंगे। अब इसको चाशनी में हम पका लेंगे। मज़ेदार हमारा लड्डुओं का बैटर तैयार हो गया, तो अभी इसको ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे सपोर्ट करें। ओके, अब इसको बना लिए हैं, ये हो गया है। इसके नीचे से आँच हम लोग बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना इसके लड्डू बना लेने हमने, तो एनर्जी लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये खाएं, सर्दियों गर्मियों का तोहफा है। कुछ बड़ा ही बन गया, बना ले फिर दिखाते। और ये हमारे हो गए बेहतरीन से लड्डू तैयार। कुछ ये बने हैं, कुछ ये बने हैं, बहुत ही अच्छे और नरम है, सॉफ्ट भी बहुत है। बिल्कुल ये हाथ लगाए पता चल रहा है किस तरह है। और जब इसको तोड़ेंगे ना तो बड़े आराम के साथ ऐसे टूट जाएंगे, दिखा। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है रेसिपी कमेंट करके। 2 hours later. अभी मम्मा ने करेलों को नमक लगा लिया साफ अंदर से करके। कुर्सियाँ हो रही हैं? नहीं हो रहा, अपनियाँ ने बन के आई हैं। तो आप पापा भी लेकर आए हैं कुर्सियाँ दुकान से। कल बराती पहले सारी खराब हो गई थी ना। एक सब्जी कौन सा है यहाँ से? कहाँ ये यहाँ से ना, एक का ना यहाँ से ऐसे उतर गया था तो वो हमने साथ ही दे दिया था ताकि ये बन जाए। फिर अब इनका कलर भी इतना प्यारा बन के आ गया, तो इसे अपने हम शायद न्यू घर में रखें। काफ़ी प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। शो पर अभी नहीं था ना, नए घर में भी ऐसे रहेगा तब हम उधर शिफ्ट होंगे ना, तब इनका कलर उतरेगा। अभी ना सोफे भी आना है भरा सारा, तो बाकी ये 2 कुर्सी इसके साथ की 2 और 4 थी और 2 ही सोफे थे। एक सोफ़ा छोटा था और एक इतना बड़ा और 2 सोफे थे, वो
पूरा सेट था मेरे पास, चार कुर्सियाँ, दो सोफे और दो छोटे सोफे थे। तो अभी जो दो सोफे और एक बड़ा सोफा है वो मंडी में पड़ा है और ये हमें दिए थे। जो पहले कवर थे ना वो नीचे ही दबे हुए थे, काफी अच्छा लग रहा है। पॉलिश पुलिश हो के सारी हो के वे चमक नहीं देखन दी बना रही हूँ बरे हुए करेले, वो भी ये दाल के। तो इधर मैंने कुछ करेले काट के बना रही हूँ, वो मैं सारे मिक्सअप करूंगी, ये इसका मसाला बन जाएगा इन बरे हुए करेलों का। तो ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, आधे मैंने काटे हैं और आधे मैंने भर लिए हैं, और बाकी ये जो गरम मसाला है वो सारा इसमें जाएगा और उसके ऊपर रख के तो दम दे देंगे, ये करेले की रेसिपी तैयार हो जाएगी। और रात के तकरीबन 8 बज गए हैं, खाना मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बातें करेंगे थोड़ी सी।